गाइस, आज था एप्पल का लॉन्च इवेंट और एप्पल ने अपने आईफोन 14 सीरीज को लॉन्च कर दिया और उसके साथ में और भी बहुत कुछ लॉन्च किया। एप्पल वॉच की सीरीज 8 भी लॉन्च हो चुकी है और उसके साथ में नए वाले एयरपॉड्स प्रो, ये सब कुछ एप्पल ने लॉन्च किया। सारी डिटेल्स देंगे आपको इस वीडियो में, क्या क्या एप्पल ने लॉन्च किया है और किस प्राइस में आपको ये सारी चीजें मिलने वाली है और कब ऑर्डर करने पर कब आपके हाथ में नया आईफोन और एप्पल के बाकी के प्रोडक्ट देखने को मिलेंगे। आई नो गाइस, आप पहले तो एक्साइटेड हो आईफोन 14 सीरीज के लिए, उसके बाद में बात करेंगे एप्पल वॉच और एयरपॉड्स के बारे में। तो पहले आईफोन 14 के बेस वेरिएंट की बात करते हैं, मतलब नॉन प्रो मॉडल्स की। तो यहाँ पर एप्पल के दो नए आईफोन 14 देखने को मिलेंगे। एक होगा हमारा नॉर्मल वाला आईफोन 14 6.1 इंच का और दूसरा होगा हमारा आईफोन 14 प्लस 6.7 इंच का। तो यहाँ पर बिगर डिस्प्ले ले गया है एप्पल, मिनी को हटा दिया गया है, जैसे कि मैंने लीक्स में आपको ऑलरेडी बताया था। जो हमने लीक्स बताई थी, काफी हद तक एप्पल बहुत चीजें लेके आया है। और यहाँ पर बात करें क्या हमें नया देखने को मिलेगा आईफोन 14 एंड 14 प्लस में, एक तो दोनों में हमें साइज डिफरेंट देखने को मिलेगा और दोनों फोन में इंटरनल डिजाइन को चेंज किया गया है। आईफोन में बहुत ज्यादा प्रॉब्लम आती थी हीटिंग को लेकर, जब भी गेमिंग करते थे या फिर आउटडोर में कैमरा यूज करते थे ज्यादा देर तक या फिर कोई भी हैवी वर्क करते थे, बहुत दिक्कत देता था, आईफोन हीट हो जाता था, जिस वजह से ब्राइटनेस थ्रॉटलिंग हमें देखने को मिलती थी, ऑटोमेटिक आईफोन की ब्राइटनेस वो ड्रॉप हो जाती थी। पर आईफोन 14 में हमें इंटरनल में हमें थर्मल डिजाइन देखने को मिलेगा, मतलब इस बार आईफोन 14 में कूलिंग सिस्टम भी देके रखा है जिससे फोन हीट नहीं होगा जब आप गेमिंग करोगे या फिर कोई भी हैवी टास्क करोगे अपने आईफोन 14 में। इसके अलावा डिस्प्ले की बात करें तो जो डिस्प्ले हमें आईफोन 13 में देखने को मिलती थी सेरेमिक शील्ड, वही आपको देखने को मिलेगी। एप्पल कहता है कि ये बाकी जितने भी फोन है मार्केट में उन सभी से सॉलिड है, टफेस्ट है। इसके अलावा एक इंप्रूवमेंट एप्पल ने बैटरी में की है, पहले जो आईफोन 13 में बैटरी आती थी उससे अच्छी बैटरी हमें आईफोन 14 प्लस में देखने को मिलेगी, क्योंकि इसमें बड़ी डिस्प्ले है और इसमें बैटरी भी बड़ी लगी है। और जो हमारा नॉर्मल वाला आईफोन 14 है उसमें भी आपको फुल डे बैटरी मिल जाएगी और जो हमारा प्लस वाला मॉडल हो उसमें आपको ज्यादा अच्छी बैटरी देखने को मिलेगी। जैसे हमारा आईफोन 13 प्रो मैक्स था उसमें हमें ज्यादा अच्छी बैटरी देखने को मिलती थी, उसी तरह आपको आईफोन 13 प्लस में ज्यादा अच्छी बैटरी देखने को मिलेगी और उसके साथ में बड़ी स्क्रीन देके रखी है, ज्यादा कंटेंट देखने का मजा आएगा आपको और भी ये सभी चीजें एप्पल ने बताई है बिगर स्क्रीन को लेकर। और इसके अलावा एप्पल ने कुछ नए फीचर्स ऐड किए हैं। इस बार एप्पल क्रैश डिटेक्शन लेके आया, मतलब अगर गलती से आपकी गाड़ी का कहीं एक्सीडेंट हो जाता है तो आपके फोन में सेंसर लगे हुए हैं, क्योंकि इसमें दिया गया है ड्यूल कोर एक्सेलेरोमीटर और उसके साथ में जायरो सेंसर जो कि आपके कार के एक्सीडेंट को डिटेक्ट करके इमरजेंसी SOS पर ऑटोमेटिकली मैसेज सेंड कर देगा जिससे इमरजेंसी में यूजर की हेल्प हो पाए। और एप्पल की एप्पल वॉच ने भी काफी लोगों की जान बचाई है फॉल डिटेक्शन फीचर से और ये जो है क्रैश डिटेक्शन, ये नया फीचर एप्पल लेके आया है। हम SOS की बात कर रहे हैं, इसी के साथ में एप्पल एक नई टेक्नोलॉजी लेके आया है फोन में। अब आप किसी भी इमरजेंसी सिचुएशन में पड़ते हैं तो आप डायरेक्ट सैटेलाइट का यूज करके अपने फोन के साथ में इमरजेंसी सर्विस के साथ में कॉन्टेक्ट कर सकते हो जिससे आप किसी भी एक्सट्रीम कंडीशन में हो गए आपकी हेल्प हो पाएगी। तो सैटेलाइट कम्युनिकेशन वाला फीचर एप्पल लेके आया है, सिर्फ ये यूज होगा इमरजेंसी कंडीशंस के लिए, मतलब इसका यूज सिर्फ आप इमरजेंसी सिचुएशन में ही कर पाएंगे। अगर आप सोच रहे हो कि आप सैटेलाइट कॉलिंग कर पाओगे तो उसमें ये काम में नहीं आएगा। जब आपने इस फीचर का यूज करना है तो आपको अपने फोन में इसे ऑन करके सैटेलाइट की डायरेक्शन में अपने फोन को रोटेट करना होगा और आपको खुद ही बता देगा कि किस डायरेक्शन में सैटेलाइट है, तब आपका फोन सैटेलाइट के साथ में कम्युनिकेट कर पाएगा और आपका मैसेज आएगा SOS सर्विस के पास में। फिर उनकी तरफ से अगर रिप्लाई आता है तो आप कॉल के थ्रू भी बात कर सकते हो थ्रू सैटेलाइट कम्युनिकेशन और ये फ्री रहने वाली है। और यहाँ पर एप्पल ने कहा है अगर वेदर बिल्कुल क्लियर है तो 15 सेकंड में आपका कनेक्शन बन जाएगा और वेदर बहुत ज्यादा खराब है तब भी आपका कनेक्शन बन जाएगा, बस 1 मिनट के आसपास ले सकता है और इसे आप बिना इंटरनेट के यूज कर पाओगे। और इसके साथ में अगर आपने अपनी लोकेशन मैन्युअली सेंड करनी है तो वो भी आप फाइंड माई की मदद से कर सकते हो। गाइस, ये फीचर तो काफी बढ़िया है पर इसे सिर्फ यूज कर पाएंगे US और कनाडा के यूजर्स। नवंबर से ये फीचर उनके लिए शुरू हो जाएगा और 2 साल के लिए ये फ्री रहने वाला है उनके लिए। जो अलग कंट्री में रहते हैं उनके लिए इन फ्यूचर ये आ सकता है, क्योंकि इसके लिए एप्पल को गवर्नमेंट से परमिशन लेना पड़ेगी तब जाके ये बाकी कंट्रीज में आ पाएगा। अब नेक्स्ट बात करते हैं प्रोसेसर की। आईफोन 14 में हमें सेम ही नेम वाला प्रोसेसर मिलने वाला है जो कि हमें आईफोन 13 में देखने को मिलता था, वायोनिक A15। पर इसमें एप्पल ने 5-कोर GPU का यूज किया है जो कि पुराने वाले से 18% फास्टर है, मतलब इंप्रूवमेंट इसमें की गई है और ऊपर से हमें कूलिंग टेक्नोलॉजी मिलती है तो काफी अच्छे से काम करेगा ये। और एप्पल कहता है इस फोन में जो चिप लगी है वो जितने भी इसके कॉम्पिटिशन में बाकी के फोन आते हैं उन सभी से फास्टर है, जिसकी मदद से आपको काफी तगड़ी परफॉर्मेंस मिलने वाली है, चाहे गेमिंग हो
होगी, ग्राफिक्स रेंडरिंग बेटर हो जाएगी, मतलब आपको पता है कि एप्पल पिछले बार से अगले फोन में इंप्रूवमेंट लेके आता है, तो वो सारी आपको इसमें देखने को मिलेगी। इसके अलावा आईफोन 14 में हमें बेटर 5G कनेक्शन देखने को मिलेगा, स्मूथली आप कनेक्ट कर पाओगे, और यहाँ पर ई सिम को और भी ज्यादा इजी कर दिया गया है, और अमेरिकन वर्जन जो होंगे उनमें ई सिम देखने को मिलेगी, फिजिकल स्लॉट को पूरी तरह से हटा दिया गया है। तो इन फ्यूचर हो सकता है कि एप्पल बाकी कंट्रीज में ऐसा करे, पर इस बार इंडियंस का वही रहेगा, एक आपको ई सिम देखने को मिलेगी और एक आपको फिजिकल सिम देखने को मिलेगी, और इसमें आप मल्टीपल ई सिम से ऐड कर सकते हो और उन्हें आप खुद के अकॉर्डिंग ऑन ऑफ भी कर सकते हो, मतलब जो आपने यूज करनी है करंट टाइम में आप उसे यूज कर पाओगे। और इसके साथ में एप्पल इंटरनेशनल रोमिंग लेके भी आया है, वो भी बिल्कुल फ्री में। और अब बात करते हैं मोस्ट इंपॉर्टेंट कैमरा की। आईफोन 14 में हमें सिर्फ 12 मेगापिक्सल का कैमरा देखने को मिलेगा, जो कि मैंने ऑलरेडी लीक्स के अकॉर्डिंग आपको बताया था कि इसमें हमें 12 मेगापिक्सल का कैमरा देखने को मिलेगा, पर इसमें काफी ज्यादा इंप्रूवमेंट की गई है, वो मैं आपको बताता हूँ। तो आईफोन 14 में आपको तीनों ही 12 मेगापिक्सल का कैमरा देखने को मिलेंगे, दो हमारे बैक में होंगे, एक हमारा फ्रंट में होगा। बैक में आपको एक मेन कैमरा दिया जाएगा और उसके साथ में एक अल्ट्रा वाइड होगा। इस फोन में आपको 49% लो लाइट इंप्रूवमेंट देखने को मिलेगी, जिसे आप लो लाइट में काफी अच्छा फोटो क्लिक कर पाओगे और बेटर कलर्स आपको देखने को मिलेंगे, ज्यादा डिटेल देखने को मिलेगी, क्योंकि इसमें बड़ा सेंसर यूज किया गया है, मतलब पुराने वाले फोन से थोड़ा सेंसर को बड़ा कर दिया गया है। यहाँ पर मेगापिक्सल इंक्रीज नहीं किए एप्पल ने, और इस फोन में जो फ्रंट कैमरा है उसका ऑटो फोकस को और भी ज्यादा इंप्रूव किया गया है। लो लाइट में ऑटो फोकस अच्छे से काम करता है, ग्रुप सेल्फी लेनी है तो भी अच्छे से काम करेगा, मतलब पहले से आपको काफी इंप्रूवमेंट देखने को मिलेगी इसके फ्रंट कैमरा में। और आईफोन 14 से जो आप फोटो क्लिक करोगे, इसमें इस फोन के अंदर जो बाकी कंपोनेंट्स है उनका काफी ज्यादा रोल रहने वाला है, न्यूरल इंजन का, सीपीयू का, जीपीयू का, और जो कंबाइंड प्रोसेस निकल के आएगी इसमें डिफ्यूजन टेक्नोलॉजी का यूज किया, मल्टीपल फ्रेम्स को एक साथ जोड़ के एक बेस्ट आउटपुट वाला फोटो निकाल के देगा, और इन प्रोसेस को एप्पल फोटोनिक इंजन कहता है। अगर मैं आईफोन 13 के साथ में कंपेयर करूं तो फ्रंट कैमरा 2x इंप्रूवमेंट देखने को मिलेगी, अल्ट्रा वाइड में भी 2x इंप्रूवमेंट देखने को मिलेगी, और जो मेन कैमरा है उसमें आपको 2.5x इंप्रूवमेंट देखने को मिलेगी। और अगर हम वीडियोग्राफी की बात करें तो मैं बहुत बड़ा फैन हूं एप्पल से, जो वीडियोस की आउटपुट निकल के आती है वो अमेजिंग होती है, और आईफोन 14 में हमें बहुत ही तगड़ी आउटपुट देखने को मिलेगी, क्योंकि हमें यहाँ पर ग्रेट स्टेबिलाईजेशन देखने को मिलेगी। एप्पल ने इसे नाम दिया एक्शन मोड, जैसे आप एक्शन मोड यूज करोगे फिर चाहे आप दौड़ते हुए या फिर कार में, बाइक में, कहीं भी वीडियो रिकॉर्ड करो बिल्कुल स्टेबल आएगी, आपको अलग से गिम्बल लेना नहीं पड़ेगा। अभी मैंने थोड़ा टाइम पहले ये गिम्बल लिया, मेरे पैसे बर्बाद हो गए क्योंकि मुझे आईफोन 14 भी लेना है। तो फिर अगर आप इस चैनल पर नए आए हो तो सब्सक्राइब कर लो, क्योंकि आईफोन 14 भी आपको इस चैनल पर देखने को मिल जाएगा। और स्टेबिलाईजेशन के साथ में, जैसे कि मैंने आपको लीक्स में बताया कि सिनेमैटिक मोड इंप्रूव होगा, सिनेमैटिक मोड में आप पहले सिर्फ फुल एचडी तक ही वीडियो बना सकते थे, पर अब आप 4K में वीडियो बना सकते हो, जो कि 24 फ्रेम से 30 फ्रेम के बीच में ऑटोमेटिकली एडजस्ट कर लेगा, क्योंकि मूवीज में यूज होता है, तो वो सेम ही फ्रेम रेट के साथ में आप 4K में वीडियो रिकॉर्ड कर पाओगे अब आईफोन 14 में। और एप्पल ने ये भी कहा है कि इस बार जो फ्लैश लाइट यूज की है वो पहले से इंप्रूव की गई है, और यही सब हमें आईफोन 14 में देखने को मिलेगा। कलर्स की बात करें तो यहाँ पर हमें 5 न्यू कलर देखने को मिलेंगे, न्यू एप्पल कहता है, बस थोड़ा सा ट्यूनिंग की गई है, जो कि ब्लू, पर्पल, मिडनाइट, स्टार लाइट और प्रोडक्ट रेड देखने को मिलेगा। टोटल 5 कलर है, एक एप्पल बाद में लेके आता है पब्लिसिटी के लिए, थोड़े लाइट लाइट से कलर है ये। इसके अलावा बाकी फंक्शंस की बात करें इस फोन के बारे में, तो जो आईफोन 13 में थे वो ये आपको देखने को मिलेंगे, 128GB से शुरू होने वाला है और 512GB तक आप मैक्स जा सकते हो। इसमें जो इंप्रूवमेंट है वो बैटरी में है, और दूसरा आपको प्लस मॉडल मिल जाता है, बड़ी स्क्रीन मिल जाती है, कैमरा काफी ज्यादा इंप्रूव किया गया है, और वाटर एंड डस्ट रेसिस्टेंट रहने वाला ही है, जो कि हम बिलीव करते हैं खुद टेस्ट करने में। हमने आईफोन 11 का, आईफोन 12 का, आईफोन 13 प्रो का वाटर टेस्ट किया, और आईफोन 14 का भी हम जरूर करेंगे जैप वाटर टेस्ट। और अगर हम प्राइस की बात करें तो जो हमारा नॉर्मल वाला मॉडल होगा वो $799 का होगा, तो यहाँ पर जो प्राइस कहा जा रहा है कि इंक्रीज होगा वो नहीं हुआ, प्राइस हमें सेम ही देखने को मिल रहा है, मतलब 80,000 का आपको ये फोन देखने को मिलेगा, पर यहाँ पर आपको साथ में HDFC कार्ड का भी ऑफर देखने को मिलेगा, 6,000 का कैशबैक, तो आप उसका भी यूज कर सकते हो, मेरे पास है मैं तो यूज जरूर करूंगा। और आईफोन 14 प्लस हमें 90,000 का देखने को मिलेगा, इसका 128GB वाला वेरियंट। अब बात करते हैं प्रो मॉडल्स की। प्रो मॉडल्स में हमें आईफोन 14 प्रो की बात करें तो उसमें हमें 6.1 इंच की स्क्रीन देखने को मिलेगी, प्रो मैक्स हमें 6.7 इंच की स्क्रीन देखने को मिलेगी। पहले तो इसकी डिस्प्ले काफी तगड़ी कर दी गई है, यहाँ पर जब आप HDR कंटेंट देखोगे तो 1600 आपको मैक्स पीक ब्राइटनेस नीट्स देखने को मिलेंगे, काफी ज्यादा ब्राइट हो जाता है, और आउटडोर में आप मैक्सिमम 2000 नीट्स की ब्राइटनेस यूज कर पाओगे इस फोन में, मतलब इससे ऊपर किसी भी फोन की ब्राइटनेस नहीं है। इसके साथ में इस फोन में आपको ऑलवेज ऑन डिस्प्ले मिलती है, जो कि कुछ इस तरह से वर्क करेगी। पहले तो हमारे आईफोन 13 प्रो की बात करें तो इसमें हमें 120Hz वाली डिस्प्ले मिलती है, जो कि 10Hz से 120Hz तक जा सकती है, पर आईफोन 14 प्रो की बात करें तो ये 1Hz तक जा सकती है, जिससे आपके फोन की बैटरी बचेगी। और ये सिर्फ टाइम ही नहीं बताएगी, आप बाकी के फंक्शंस भी देख सकते हो, बेसिकली जो आप स्क्रीन के ऊपर वॉलपेपर यूज करोगे उसका एक डिम वर्जन होगा। और प्रो मॉडल्स के डिजाइन और ड्यूरेबिलिटी की बात करें तो सेम डिजाइन आपको कुछ इस तरह का देखने को मिलेगा, और स्टेनलेस स्टील का यूज किया गया है, यहाँ पर टाइटेनियम का यूज नहीं किया है, और सेरेमिक शील्ड का यूज किया गया है। और नया हमें इस फोन में इसकी चिप देखने को मिलेगी,
जो कि होगी A16 बायोनिक चिप, जो कि 16 बिलियन ट्रांजेक्शन एक साथ कर पाएगी, क्योंकि इसमें 4 नैनोमीटर का प्रोसेसर मिलता है, अब तक का सबसे तगड़ा प्रोसेसर है, किसी फोन में आपको इतना तगड़ा प्रोसेसर नहीं देखने को मिलेगा, जो कि 40% फास्टर है हमारे पुराने वाले आईफोन की प्रो सीरीज से। और इसमें आपको कुछ सेम फीचर मिलेंगे जो कि आपको आईफोन 14 और 14 प्लस में देखने को मिलेंगे, जैसे क्रैश डिटेक्शन हो गया और सैटेलाइट SOS, और न्यू आपको इसमें देखने को मिलेगा डायनेमिक आइलैंड, जो कि अब आपके पास एक खुद का आइलैंड होगा अगर आप प्रो सीरीज का फोन लेते हो आईफोन 14 का। लिटरली एप्पल ने जो नॉच है उसे हटा के जो पिल शेप वाली नॉच दी है उसे एप्पल ने डायनेमिक आइलैंड नाम दिया है, और इसका डिफरेंट डिफरेंट वे में आप यूज कर पाओगे, क्योंकि एप्पल ने काफी क्रिएटिविटी यहाँ पर दिखाई है। यहाँ पर इसकी मदद से आपकी जितनी नोटिफिकेशन होगी वो आप यहाँ पर देख पाओगे, और जब आप म्यूजिक सुनोगे तो वो भी आपको पता चल जाएगा, जब आपका कैमरा यूज होगा उसकी इंडिकेशन भी आपको यहाँ पर मिल जाएगी, जब आप अपने एयरपोर्ट्स कनेक्ट करोगे वो भी आपको यहाँ पर मिल जाएगा, जब कॉल आएगी तो ये डायनेमिक आइलैंड जो है ये बड़ा हो जाएगा और आप यहाँ से कॉल उठाओगे। तो ये कुछ मस्त जैसा एप्पल लेके आया है यूनिक, जो कि मैंने अभी तक किसी और ब्रांड में नहीं देखा है, अब बहुत सारे ब्रांड इसे कॉपी जरूर करेंगे। पर्सनली मुझे तो ये काफी बढ़िया लगा, एक न्यू एक्सपीरियंस मिलेगा। और अब हम प्रो सीरीज के कैमरा सिस्टम की बात करें तो इसमें आपको 3 कैमरे देखने को मिलेंगे, जैसे हमारे आईफोन 13 में थे सेम इसी डिजाइन में, पर इनका जो सेंसर साइज उसको बड़ा कर दिया गया है, और जो मेन कैमरा होगा वो 48 मेगापिक्सल का कर दिया गया है। जब आप नॉर्मल फोटो क्लिक करोगे तो वो उस फोटो को कंप्रेस करके 12 मेगापिक्सल का फोटो बनाकर देगा, पर जो आउटपुट आएगी वो बहुत ज्यादा तगड़ी आएगी। और इसमें ऑप्टिकल जूम और डिजिटल जूम की बात करें, 3x 2x और 6x हमें ऑप्टिकल जूम देखने को मिलेगा, और 15x तक आप डिजिटल जूम कर पाओगे, पर यहाँ पर जो नया लेके आया है वो 2x वाला पोर्ट्रेट मोड होगा, जो कि लो लाइट में भी ज्यादा अच्छी आउटपुट देगा। और बाकी फीचर आपको सेम ही देखने को मिलेगा जो कि आईफोन 14 के बेस वेरिएंट में थे, एक्शन मोड हो गया और जो सिनेमैटिक मोड है 4K वाला वो हमें सेम ही देखने को मिलेगा। अब इन दोनों मॉडल्स के प्राइस की बात करें तो आईफोन 14 प्रो हमें 130,000 का 128GB वाला वेरिएंट देखने को मिलेगा, मैक्सिमम 1TB का ले सकते हो, प्रो मैक्स की बात करें तो 140,000 से ये शुरू होगा और मैक्सिमम 1TB तक जा सकते हो। प्राइस इस बार महंगा हो चुका है तो अब थोड़ा सा मुझे सोचना पड़ेगा अपने बजट को लेकर। अब बात करते हैं जो एप्पल ने बाकी प्रोडक्ट्स लॉन्च किए, तो एप्पल ने एप्पल वॉच की नई सीरीज लॉन्च की है, एप्पल वॉच सीरीज 8। तो इसमें जो एप्पल नया लेके आया है, एक आपको क्रैश डिटेक्शन मिल जाता है, बैटरी इस बार काफी ज्यादा इंप्रूव की है, और इस बार एप्पल अपनी वॉच में लो पावर मोड भी लेके आया, जिसकी मदद से आप इसकी बैटरी बैकअप को 36 आवर तक इंक्रीज कर सकते हो, और ये वॉच सिम प्रूफ, डस्ट प्रूफ और क्रैक रेसिस्टेंट रहने वाली है। और इसके अलावा एप्पल SE सेकंड जनरेशन वॉच भी लेके आया है, तो ये थोड़ी बजट फ्रेंडली रहने वाली है, और इसमें जो फीचर्स है वो ऑलमोस्ट हमें जो हमें सीरीज 8 में देखने को मिलते हैं वो ही देखने को मिलेंगे। और इस बार सबसे तगड़ी वॉच लेके आया एप्पल, एप्पल वॉच अल्ट्रा, ये बहुत ज्यादा तगड़ी है, इसमें स्टेनलेस स्टील यूज हुआ है, एक्सट्रीम कंडीशन में आप यूज कर सकते हो, और SOS फैसिलिटीज वगैरह ये सारी आपको इसमें देखने को मिलेगी। ये एप्पल की सबसे महंगी और सबसे तगड़ी वॉच रहेगी। और इन सबके अलावा एप्पल ने एयरपॉड्स प्रो लेके आया, जिसमें एप्पल ने H2 चिप का यूज किया है, और ये जो नई चिप लगी है इससे नॉइस कैंसिलेशन काफी अच्छे से काम करेगी, एक अडेप्टिव नॉइस कैंसिलेशन का यूज किया, मतलब थोड़ी देर आप जिस नॉइस में बैठोगे तो उसे ऑटोमेटिकली समझ के उसे रिमूव कर देगा। तो यही थी हमारी आज की वीडियो, ज्यादा बोलूंगा तो ज्यादा लंबी हो जाएगी वीडियो। बाकी इवेंट काफी बढ़िया था, काफी मजा आया, पर जो प्रो सीरीज है उसका प्राइसिंग को लेकर मैं थोड़ा सा डिसअपॉइंटेड हूं। और लास्ट में मैं यही कहूंगा, बहुत ज्यादा तो कुछ नया लेके नहीं आया है एप्पल, पर थोड़ा बहुत इंप्रूव किया है, बाकी जब फोन हाथ में आएगा तभी पता चलेगा कि क्या हमें इसमें देखने को मिलेगा। आई होप कि आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी, अगर आप इस चैनल पर नए आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। मैं तो आपके साथ किसी और वीडियो में, लव यू ऑल गाइस, टेक केयर, बाय बाय।